पट काट रहे हैं एकदम, एक मशीन चल रहा है। कैसे? 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया 20 रुपया। बड़ा बाजार है एकदम, झरिया मार्केट और रोड मार्केट का भाव जान लेते हैं यहाँ पर। कैसे जी लकड़ी से भैया? एक किलो लीजिए 70 रुपये पड़ेगा। हमारा 20 गो चाहिए। वो बट्टा भैया 35 रुपये पीस। बोलिए चाचा। हाँ यार चाचा बना दिया भाई। बोलिए भैया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज अभी हम झरिया में हैं और सुबह सुबह झरिया आने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि आज छठ पूजा है, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अभी हम जाने वाले हैं फल के होलसेलर की तरफ और वहां से लेना है हमें गन्ना, तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। गाइज सब्जी मार्केट और फल मार्केट यही है, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा फल बिक्री हो रहा है। गन्ना लेने आए हैं तो चलिए हमें गन्ना लेना है। और मार्केट में देख सकते हैं कितना भीड़ है एकदम, और सब्जी वाले देखिए इधर सब्जी बिक्री हो रहा है और ये साइड में देखिए फल बिक्री हो रहा है एकदम। यहाँ पर सिर्फ होलसेलर रेट में आपको मिल जाएंगे, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कैसे बोल जाए? 150-200। ये 200 है? हाँ बोलिए बाबू। इसमें कितना पीस है? 10 पीस के बोल। तो भाई हमने ये लगाना खरीद दिए, ये लगाना 10 पीस है और इसमें 150 रुपया हमने पड़ा। वो जो आगे देख रहे हैं सीधा वाला, उसका प्राइस है 200 रुपया है, यानी 30 रुपये प्रति पीस पड़ा। और इसमें से जो निकाले हैं बंडल, ये देखिए ये पीस है हमारा, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, दोनों का 300 रुपये पड़ा है। और चलिए इसे कटवाते हैं, कटवाने का 10 रुपये बंडल पड़ेगा, चलिए कटवा लेते हैं, उसके बाद साइकिल में लोड कर लेंगे। ये देख सकते हैं भाई का काटने का तरीका एकदम मस्त है, देखिए फटाफट काट रहे हैं एकदम, लग रहे जैसे कि मशीन चल रहा है। और गाय हमारा देख सकते हैं गन्ना पूरी तरह से कट के रेडी हो चुका है। हमने जो गन्ना खरीदे थे वो अपने दोस्त के लिए खरीदे थे, हमारा दोस्त लेकर के चला गया है। चलिए हम मार्केट का भाव जान लेते हैं, यहाँ पर फल फूल का क्या रेट है और सभी सामान है उनके भी रेट जानेंगे क्या क्या है, चलिए तो पता करते हैं। 1 किलो 50। संतरा कैसे भैया? 60 रुपये किलो 60। और केला? 50 रुपये दर्जन। ये आटा है 35 रुपये किलो, फिल्टर गहूँ का भैया, फिल्टर चौरठा है ना? हाँ चौरठा। किलो लीजिए 70 रुपये पड़ेगा। कैसे भैया? 1 किलो लीजिए 70 रुपये पड़ेगा। हमारा 20 गो चाहिए। बोलिए चाचा। हाँ यार चाचा बना दिया भाई। ठीक है बोलिए भैया। हाँ ये बात हुआ। कैसे? 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया 20 रुपये। एक पीस का 10 रुपये लेगा? हाँ भैया ठीक है 10 रुपये। और ये ला 10 रुपये ना, ये बहुत छोटा है भैया और पतला भी है। और उधर वाला भैया वो थोड़ा जो मोटा है भैया, वो 20 रुपये 20 रुपया। फूल माला डलिया, फूल माला जा रहा है। कैसे फूल है जी? 15 रुपये पीस 15 रुपये पीस। कैसे भैया नारियल? 30 रुपया 20। और इधर 10 पीस 30। काला काला कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं पक्का नाल कोई परेशान। ये 30 वाला है ना? ये 60 रुपया वो 60 रुपये पीस। आप इतना महंगा 80 रुपया 30 खाली 40 जोड़ा 40 जोड़ा 30 जोड़ा 40 जोड़ा 30 जोड़ा 40। और इधर भैया 60 रुपये मोटा ला 60 रुपये जोड़ा 60 रुपये जोड़ा देख लिए कितना ही जोड़ा 40 जोड़ा 40 जोड़ा 40। कैसे पानी पाल? 80 रुपये किलो भाई देख सकते हैं यहाँ पर 80 रुपये किलो है। और आगे चलते हैं, और मोटा लगाना हमें 30 रुपये पीस बताया, जबकि हमने जो मंडी से खरीदा उनका रेट 15 रुपये पड़ा और मोटा वाला 20 रुपये पड़ा। चलिए देखते हैं अभी और जगह रेट पता करते हैं क्या क्या भाव है। कैसे भैया गन्ना? 260 240 40 रुपया जोड़ा आई जोड़ा 30 रुपये पीस है ना? ओ भैया कैसे अनारस? 100 रुपया का 80 रुपया का। ये 100 रुपया कैसे भैया? ये 40 रुपया। और ये इधर हल्दी 30 रुपये पाव। बाप रे इतना महंगा। केला का भाव वहाँ पर हमने पूछा 50 रुपये दर्जन है, लेकिन यहाँ केला का भाव 20 रुपये है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी कैसा है। देख सकते हैं बाजार तो लग रहा है एकदम बहुत बड़ा बाजार है एकदम, झरिया मार्केट और रोड को तो छोड़ा ही नहीं, मान लिया जाए इधर से कोई भी गाड़ी आएंगे तो पार नहीं हो सकते, यहाँ से लेकर वहाँ तो एकदम रोड पूरा भरा हुआ है। और आज के दिन और कल के दिन इधर एक भी गाड़ी नहीं आएंगे और
उधर वाला रूट से निकल जाएगी। सभी जगह ट्रैफिक पुलिस लगे हुए हैं और यहाँ पर सब्जी भी बिक्री हो रही है, चूड़ी वगैरह सब कुछ है और गन्ना भी बहुत ज़्यादा गन्ना है। गन्ना का मार्केट बहुत अच्छा है, लकड़ी वगैरह भी है। कैसे है जी लकड़ी? 30 रुपये बंडल। चलिए आप देख सकते हैं 30 रुपये बंडल लकड़ी का भाव है। चलिए और किस सुख के बारे में चलिए थोड़ा पूछ लेते हैं, क्या भाव है भैया इसका? 250 रुपया। और सूप भैया? 60 रुपये करके। और वो बट्टा भैया? 35 रुपये पीस। छोटा सूप का तो भाव कम होगा भैया? 30 रुपया। पूरा मार्केट का रेट है गाय? हमने मार्केट पूरा घूम लिए और कितना रेट पड़ा वो भी पता करनी है। अभी हम आ चुके हैं मूर्ति फैक्ट्री में और यहाँ पर देखिए मूर्ति रेडी हो रहा है, सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पर डिजाइन भी बनाया जा रहा है। सभी रेडी हो जाएंगे 2 से 4 घंटा में। दोपहर तक सभी रेडी होने के बाद सभी अपने अपने मंदिर में चल जाएंगे, जो जहाँ का मूर्ति है वहाँ पहुँच जाएंगे। हम अभी लोधना मार्केट पहुंच चुके हैं और यहां पर अभी ले रहे हैं क्योंकि अमेजिंग टाइम चैनल के लिए लोगो बनाना है, वो भी रास्ते में। तो पीला ला 1 किलो ले ले रहे हैं और 1 किलो रेड वाला। भाई देखिए वजन कर रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। हम घर पहुंच चुके हैं और मार्केट का रेट आज हम जानने की कोशिश किए हैं। मार्केट का रेट हमें पता चल गया है, एक ही जगह पर कोई सामान का दाम ज्यादा तो कोई सामान का दाम कम, ये मार्केट के अकॉर्डिंग गाय ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले झरिया बाजार में जो सामान के रेट पता किए वो सबसे कम पड़ा। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो जो नए नए लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।